नमस्कार बच्चों, मैं अमर नाझा आपके समक्ष जो गणित का असेसमेंट आया है, ये 27/7/2021 का जो असेसमेंट आया है उसका आंसर बताने जा रहा हूँ। कैसे इसका आंसर बनाने से पहले कैसे बनाया जाए उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है कर्मचारी का औसत मासिक औसत वेतन इतना दिया, मासिक औसत वेतन दिया है। यदि किसी कर्मचारी किसी कारखाने में 45 कर्मचारी है तो वेतन पे होने वाले कुल खर्च लिखिए। तो देखिए, ये औसत ये है और 45 ये है, तो इस दोनों को गुना कर दें, 45 गुने 8,200, इसको गुना करेंगे तो जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा आपको, यदि हम इसको गुना करते हैं 45 गुने 8,200, तो ये आता है 36,369,000, यानी इसका ये आंसर आएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी नगर की जनसंख्या इतनी है, किसी नगर की जनसंख्या इतनी है, सर्वेक्षण द्वारा पता चला कि प्रत्येक 14 व्यक्तियों के पीछे केवल एक व्यक्ति अशिक्षित है, तो कितने लोग अशिक्षित हैं, तो 14 में से एक, तो यानी इसका जो है केवल 14 में से एक, तो यानी 1/14 निकालेंगे, 4,00,000, मतलब इतना दिया हुआ है 45, 4,50,772 में इसको हम 14 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो ये आपका आंसर आएगा 32,198। तो 32,198 यानी ए आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक पदी और द्विपद का जो गुणनफल होगा, एक पदी यानी देखिए, एक पदी कह रहा है, एक पदी यानी x है और उसको 2x+3 से गुना करेंगे, ये इसमें दो पद हैं, तो इसमें कितने पद होंगे, द्विपद ही होंगे। ठीक है, एक पदी को और द्विपद को गुना करेंगे तो द्विपद ही होगा, क्योंकि इसको गुना करेंगे तो 2x² + 3x होगा। ठीक है, एक पद को द्विपद से गुना करेंगे तो द्विपद ही होगा। इसमें से कौन सा सही है, तो यह फॉर्मूला पर आधारित है, a-b² बराबर में a² + 2ab - b², तो ये गलत है। a-b² और a² - 2ab + b², ये सही है, और a+b² यहाँ पे सारे प्लस में होना चाहिए, ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो यानी बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ a-b + ab, bc + c - bc, इस सब का योग करते हैं तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिखते हैं a-b + ab, नीचे लिखते हैं थोड़ा a-b + ab और फिर +b + c - bc और फिर +c - a - ac। तो देखिए, a प्लस का माइनस का कट गया, b माइनस का प्लस का कट गया, तो और c यहाँ पे, तो देखिए c ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो 2c बचा, तो 2c और +ab, 2c +ab -bc - ac, तो ये इसका ये आंसर होगा, 2c + ab - ac - bc, ये इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, इसको हमें गुना करना है, इसको यदि हम गुना करते हैं तो
क्या होगा, 6a² माइनस 7b प्लस 5ab को 2ab से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, पहले यदि गुना करेंगे तो 6 × 12, a 2 इधर है और एक इधर, a क्यूब और b माइनस 7 × 14, a अब b² और प्लस 5 × 10, a² b² तो ये देखें, इसमें आंसर हम देखते हैं तो ये आपका आंसर होगा बी आंसर होगा, ठीक है, आप मिला भी लें खुद भी कर सकते हैं। अब अगला सवाल है, इसमें दिया हुआ है 3x प्लस 4y का वर्ग करना है, ये तो a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ पे लगेगा यानी इसके ऊपर में स्क्वायर लगेगा, तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर यानी 9x² प्लस 4y² यदि करते हैं तो 4 × 16 y² और प्लस 4 × 12 = 24 xy, ये इसका आंसर हुआ, सारे प्लस में होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है अगला r² माइनस 10r प्लस 21 को गुणनखंडित करें, गुणनखंड करेंगे इसको तो पहले 21 को यदि हम ऐसा गुना करते हैं तो किससे गुना करेंगे, कौन कौन सा जोड़ा होगा, 1 × 21 तो ये तो आएगा नहीं, या 3 × 7 = 21 जोड़ने पे 10 होना चाहिए तो ये आ रहा है, तो यहाँ पे रखें r² और माइनस 3x 3r माइनस 7r प्लस 21, तो इसमें से r कॉमन तो ये आ गया r-3, इसमें से माइनस 7 कॉमन r-3, तो ये आ गया आपका r-3 और r-7, तो जो आंसर है r-7 और r-3, ये आया इसका आंसर बी। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कह रहा है, ये देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 7 का इनवर्स तो 1/7 और माइनस 8 का इनवर्स 1/8, इसका इनवर्स कह रहा है पहले, तो ये हम करते हैं तो 8 में से 7 गया तो 1 × 8 = 56, तो 1/56 का इनवर्स हो जाएगा 56। इसी तरह इसका करते हैं तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1/4, तो 4 − 3 = 21, 4 × 12 = 12, तो इसका ये हो जाएगा 1/12 और इसका इनवर्स करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो यानी आप देखें तो ये हो जाएगा 8 × 56 और माइनस ये था 4 × 12, इसको करेंगे घटाएंगे, 56 में से 12 गया तो कितना होगा, 56 में से 12 जाएगा तो 44 होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 1/10 का पावर 0, किसी का भी पावर 0 हो तो उसका वैल्यू होता है 1, किसी का भी मान पावर 0 हो, घातांक 0 हो तो उसका वैल्यू होता है 1, ठीक है बच्चा, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, धन्यवाद।